हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानको ओडिया बहु यूट्यूब चैनल रे स्वागत करूछि। फ्रेंड्स, कुकुर जन्म कोन पई मिली थाई आसंतु जानिबा। जदि आपण आपणक जीवन रे किछि सिखिबाकु चाहू छंती तो आजि रही वीडियो को लास्ट पर्यंत निश्चय देखंतु। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म शास्त्र अनुसार जीवन सहित मनुष्यर मृत्यु परे मिलिबाकु थिबा अवस्थार वर्णना विस्तार रूपे मिली थाए। फ्रेंड्स, एपरी माना जाए कि मनुष्यर मृत्यु परे ताहार कर्म अनुसार ही ताको परजन्म मिली थाए, किंतु धार्मिक ग्रंथरे एहा वर्णना मिली थाए कि जेउ मनुष्य निज जीवन काल रे बहुत अधिक पाप करी थाए तो ताको गोटे जन्म मिली नथाए, परंतु ताकु एक एपरी जन्म मिली थाए जेउतिरे से निजर कष्ट को अन्य कोनसी व्यक्ति को कहि पारे नाही कि कहा सहित निज दुख को बांटि पारे नाही। ता सहित से निजर ही मल मूत्र को चाटी थाए, माड खाई थाए, लोक माने निज पाखरु मध्य माड मारी घोड़ाई दियंती जे परि कि कुकुर। हाँ फ्रेंड्स, आजर ही वीडियो रे आमे आपणक पई एक एपरी कहानी नै कि आसीछु जेउथिरे गोटी आघात कुकुर भगवान श्री रामक पाखकु निजर दुख नै कि आसीछि ओ तांकु न्याय मागुछि। भगवान का कृपा पाइबा पई कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम अवश्य लेखंतु। फ्रेंड्स, गोटे समय एपरी थिला जेबे भगवान श्री राम निज सभारे बसीथिले तो सेतेबेले से गोटे कुकुर भोकिबार आवाज सुनिले तो से द्वारपाल को कही सेठारु सही कुकुर को घोड़ाई देले। सभार अन्य दिन आसिला किंतु पुनी सही कुकुर सही स्थान को आसी पुनी भोकिबा को लागिला आ द्वारपाल पुनी ताकु सेठारु माड मारी के घोड़ाई देला। तृतीय दिन मध्य सही कुकुर सही स्थान को आसी पुनी भोकिबा को लागिला तो एही थर भगवान श्री राम सही कुकुर को सेठारु घोड़ाइले नाही। तार भोकिबार कारण कौन बोली जानिबा को चाहिले। श्री राम सही द्वारपाल को कुकुर को सभा को आनिबा पई कहिले तो कुकुर सही द्वारपाल को जवाब देला, हे महान द्वारपाल, मते एक पाप श्रेणी रे जन्म मिलिछि, एथि पई मंदिर किंबा यज्ञशाला भवन तुलसी बगीचा सभा एवं मठ राजभवन एवं गोशाला जेपरी पवित्र स्थान को जीवा पई मु योग्य नुहे। तुमे जाए कि प्रभु श्री राम को कहि दियंतु कि से निजे मो सह मिसिबा पई आसंतु। सेहि द्वारपाल सबु कथा को भगवान श्री राम को कहिला। एपरि सुनि भगवान श्री राम निजे सेहि कुकुर पाखरे पहुँचिले एवं ताकु भोकिबार कारण पचारिले तो कुकुर श्री राम को कहिला, हे प्रभु, आपण मो पई बड़ कष्ट करिले जहाकि आपण आसी एठि ठिया होइछंती। हे भगवान, मु कोनसी अपराध करी नाही, तथापि जने सन्यासी मते पत्थर रे मारिछि जाहार कारणरु मोर पाद खंडिया होइछि आ मते बहुत ही कष्ट हेउछि। एही कारणरु मु दुखी होइ आपणकर शरण को आसीछि। से कुकुर कथा को सुनि प्रभु श्री राम सेही सन्यासी को सेठा को डाकिले एवं श्री राम सेही सन्यासी को पचारिले, कुहंतु स्वामीजी, आपण केउ अपराध कारणरु सेही कुकुर पाद को खंडिया करिछन्ति, से कुकुरर कौन अपराध थिला। सन्यासी उत्तर देही कहिले कि, हे राजन, मु भिक्षा पई रास्तारे जाउथिली तो सेतेबेले ये मोर भिक्षा को छुई देइथिला, ताहा मध्यान समय थिला, एबे मु मध्य भोकिला थिली, तार सेही अपराध कारणरु मते क्रोध आसीगला एवं मु ताकु सेठारे घोड़ेबा पई पत्थर उठाइ मारिदेली आउ सेही पत्थर जाई तार पादरे बाजिगला जाहार कारणरु तार पाद खंडित होइछि। सन्यासी रही कथा शुणि श्री राम ताकु कहिले कि, स्वामीजी, आपण को जणा कि ये जणे ज्ञानी विहीन पशु अटे, ताकु एपरी करिबार जणा ही नाही, जदि एही कुकुर आपण को छुई देला तो एथिरे मु एही कुकुरर कोनसी अपराध अछि बोली बुझि पारुनी, एहा तो एहार स्वाभाविक प्रकृति, सेथि पई आपण ही एहार अपराधी अटंती। भगवान श्री राम कुकुर को कहिले कि, ए सन्यासी, तुमर अपराधी, तुमे जहा चाहिबो ताहा दंड देई पारिबो। तो सेतेबेले प्रभु श्री रामंकर एही कथा सुनि कुकुर कहिला कि, हे भगवान, ए सन्यासी को कोनसी शिवालयर मालिक बनाई दियंतु। फ्रेंड्स, श्री राम सेही कुकुरर कथा को सुनि स्वीकार करिनेले एवं सेही सन्यासी को सिंदूर वस्त्र पिंधाई गोटे पालिंकी रे बसाई देले। तापरे वाद्य यंत्र सहित सेही सन्यासी को शिवालय को नेई गले एवं सेठाकार मालिक बनाई दिया गला।
ସେହି ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକୁଥିବାର ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଭାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏପରି ସବୁକିଛି ଦେଖି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି କୁକୁର ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲା? ଯେବେ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁକୁରର ପାଦକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିଥିଲା, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଶିବାଳୟର ମାଲିକ ବନାଇ ଦିଆଗଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି କଥାର ଜବାବ ସେହି କୁକୁରଠାରୁ ହିଁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଏପରି କ'ଣ ପାଇଁ କଲା। ତେବେ ସବୁ ଲୋକ ସେହି କୁକୁରକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ କି ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବଦଳରେ ତାକୁ ମାଲିକ କ'ଣ ପାଇଁ ମନାଇଲେ। ତ କୁକୁର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ଷେତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଅନ୍ନକୁ ରଖୁଥିବା ଲୋକ ଶିବାଳୟ ମଠ ବଗିଚା ଦାନ ଗ୍ରାମ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାଳକର ଧନକୁ ହରଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବା ଲୋକ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହଡ଼ପ କରୁଥିବା ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଚୋରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ବେଇମାନୀ କରି ଧନ ଆଣୁଥିବା ଲୋକ ମରିବା ପରେ ପର ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ଶ୍ରେଣୀକୁ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ କଥା। କୁକୁର କହିଲା, ମୁଁ ବି କୁକୁର ଜନ୍ମ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ପାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ପଛ ଜନ୍ମରେ ମଠର ମହନ୍ତ ଥିଲି। ମୁଁ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ତାହାର କରିଥିବା କାମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ତାକୁ ସେହି ପଦ ଦେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଜ ଜୀବନରେ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେହି ମଠକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ପାପ କଲା, ସେହି କାରଣରୁ ତାକୁ ପର ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ଶ୍ରେଣୀରେ ଜନ୍ମ ମିଳିଲା। କର୍ମ କାଳଚକ୍ର ବହୁତ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ। କୁକୁର ହୋଇ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ କୁକୁର ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଇଜ୍ଜତ କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।